हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में एक एक करके देखेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हर वीडियो की देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, अगर आप देखोगे 1,46,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करेंट जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो 1457 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इसने जो हाईएस्ट बनाया था 1572 रुपए का हाईएस्ट लेवल बनाया था, और इस साल का जो लो था वो यहाँ पे 1083 रुपए था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा महंगा यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 144 के आसपास है। डिविडेंड ये बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता है शेयर होल्डर को, और ये जो कैपिटल पे इक्विटी पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 15.5 है, और इक्विटी पे यहाँ पे 14% के आसपास ये रिटर्न जनरेट करता है। अगर बात करें इसकी जो फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। ये तो हो गई यहाँ पे बेसिक डिटेल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके जो चार्ट है उस पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखोगे, जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड करता है लगभग पिछले 10 साल से, वो यहाँ पे 68.7 है, और अभी यहाँ पे 78.6 के आसपास ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्टॉक महंगा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे मीडियन के आसपास आ जाता है तो वे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक थोड़ा महंगे जरूर मिलते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से है तो आप कभी भी बाई कर सकते हो, बट अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से है थोड़ा सा आपको पेशेंस देना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे वैल्यूएशन को आने देना चाहिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई या सेल करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको बाई करना है, कभी भी बाई करना है आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें। यहाँ पे अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस में, अगर आप देखोगे LIC है टॉप पे लाइफ इंश्योरेंस, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 13.59 LIC का है, जबकि यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जो LIC है इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू SBI, यही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर भी पता चले। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 88 पे ट्रेड कर रहा, ICICI प्रू 88 पे, ICICI लंबार्ड 44 पे। तो ये चीजें देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है किसमें यहाँ पे अच्छी है और किसमें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है, तो आप कंपेयर भी यहाँ पे कर पाओगे। क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जो सेल्स आ रही है वो यहाँ पे SBI की आ रही है 39,000 करोड़ के आसपास December 2023 में। अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो होने वाला है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे $2,000 के ऊपर जैसे ही पहुंचेंगी तो सारी चीजें यहाँ पे लोग फैसिलिटी लेने लगेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी यहाँ पे बूस्ट होने वाला है, तो उस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देख सकते हो जो दिसंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे 352 करोड़ के आसपास आया था, और पिछले क्वार्टर 413 करोड़, दिसंबर 2022 में 333 करोड़ के आसपास आया था। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है, जबकि सेल्स यहाँ पे बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट यहाँ पे इसका जीरो है, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो जीरो है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा वो यहाँ पे 370 करोड़ आ रहा, और आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा वो यहाँ पे 322 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा। यही अगर आप ईयर वाइज देखोगे, ईयर वाइज यहाँ पे ये बिजनेस जो कर रहे हैं 1,17,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 287 है ईयर वाइज, बट जो अदर इनकम है जिनसे इनको प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे 1761 करोड़ है। और यही अगर क्वार्टर वाइज देखोगे, क्वार्टर वाइज में अदर इनकम यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज्यादा आ गई थी, बट यहाँ पे माइनस में जो चीजें थी
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो माइनस में था, इस कारण से यहाँ पे जो अदर इनकम है वो रिफ्लेक्ट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे ये प्रॉफिट में आ गया था। बट ईयरवाइज में यहाँ पे ये चीजें जो चल रही हैं वो अदर इनकम यहाँ पे काउंट होके जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है, वो 1860 करोड़ बन रहा है, जो कि पिछले ईयर से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, बट सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही ज्यादा है कंपेयर किया जाए तो प्रॉफिट के हिसाब से। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं, बैलेंस शीट में जो रिजर्व है इनके पास है वो यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्व यहाँ पे 12-13 हजार करोड़ के आसपास है और 1000 करोड़ के आसपास इनके पास इक्विटी कैपिटल है। फिक्स एसेट्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और ना ही यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में है, तो ये चीजें देख सकते हो। इन्वेस्टर की अगर बात करें, इन्वेस्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं, कितने परसेंट माल किसके पास है, प्रमोटर के पास यहाँ पे देखोगे 55.43% स्टेक ये बनाए हुए हैं, और FII थोड़ा सा जो स्टेक है वो सेल भी किए उसके बाद यहाँ पे 25.92% स्टेक है। DIA जो कि यहाँ पे स्टेक को परचेस किए हैं वो यहाँ पे 14.63% इनके पास स्टेक है। पब्लिक के पास यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हुई है, माल छीना गया है बड़े प्लेयर के द्वारा। तो ये चीजें यहाँ पे मार्केट में होती रहती हैं, यानी 95% से ज्यादा जो होल्डिंग है बड़े प्लेयर के पास है। चार्ट पैटर्न में आते हैं यहाँ पे, किस अगर वन ईयर का हम चार्ट लगाते हैं, वन ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे, ये ऊपर का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव किया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई और मार्केट भी अभी संभल नहीं रहा है, तो जो लेवल पे आके ये सपोर्ट लेगा, जहां पे ले सकता है, जहां पे तीन चार रेजिस्टेंस फेस किया था, ये एक रेजिस्टेंस फेस किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बार यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट चालू हुआ था, तो ये यहाँ पे 1350-1360 का यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये वीक सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो अभी यहीं पे है जहां पे ये ट्रेड हो रहा है 1460 के आसपास, अगर ये ब्रेक होता है तो यहां तक आ सकता है 1360 तक, यानी 100 पॉइंट का यहाँ पे फॉल दिखाई पड़ सकता है इमीडिएट तौर पे, और अगर इसको ब्रेक करता है तो दूसरा जो सपोर्ट यहीं पे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1320 के आसपास यहाँ पे, 1330 के आसपास यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है, ये देख सकते हो दूसरा सपोर्ट 1320-1330 के आसपास है, तो दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है SBI लाइफ इंश्योरेंस की कंपेयर टू यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये चीजें आपको देखनी है, एनालाइज करनी है, सीखनी है, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।